Zubair, myself Diksha from class 10th B. My school name is Government Senior Secondary School Sandwas and my topic is Corona Warriors, या जिन्हें हम अपने रक्षक के रूप में भी देख सकते हैं इस महामारी के दौरान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरा देश है वो कोरोना नामक एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। उसी प्रकार इससे सिर्फ तीन ही जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, जिन्हें हम सरकारी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स एवं पुलिसकर्मी भी कह सकते हैं। ये तीनों ही हैं जो कोरोना से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ घर के अंदर बैठे हैं, पर हमें या हमसे कहा जाए हमसे वो काम भी नहीं हो रहा है। देखने में आया है कि कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। ऐसे लोगों को ना खुद की फिक्र है, ना अपने फैमिली की, ना अपने समाज की, ना अपने भविष्य की, ना अपने देश की। उसी तरह सफाई कर्मचारी भी, उनका पहले कोई सम्मान नहीं होता था, उन्हें सिर्फ एक नज़र से, ऐसी नज़र से देखा जाता था कि ये सफाई कर्मचारी हैं या कहा जाए ये गंदगी उठाने वाले लोग हैं। पर आज मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके द्वारा ही हमारा पूरा देश अभी तक सुरक्षित है। जैसे अगर पूरा गली में, मोहल्ले में, सड़कों पर अगर सफाई रहेगी तो हमें कोरोना तो क्या और कोई बीमारी भी नहीं हो पाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका सफाई का, घर में भी, मोहल्लों में, सड़क में, समाज में, इन सब में कर्मचारी, सफाई कर्मचारी का जिन्हें कहा जाए उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसा कि कहा जाए कि जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी के बारे में पहले आलोचना की जाती थी कि वो चौराहों पर सिर्फ कमाई के लिए खड़े हैं। उनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो चौराहों पर कमाई के लिए खड़े हैं, पर मैं ऐसे लोगों से आज कह देना चाहती हूँ कि आज भी वही चौराहे वीरान हैं, आज भी वही चौराहे वीरान हैं, पर पुलिस वहीं खड़ी है। मैं चाहूँगी आप अपनी सोच बदलिए, एक अलग नज़रिए से देखिए। हर चीज़ बुरी नहीं होती या हर चीज़ की तुलना हम पैसों से नहीं कर सकते, हमें इंसानियत की नज़र से भी देखना चाहिए। हमारा जो देश है वो इस महामारी से लड़ रहा है, इससे हमें डॉक्टर्स भी बचा रहे हैं। डॉक्टर्स उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो कोरोना संक्रमित हैं। क्या डॉक्टर्स को डर नहीं लगता होगा कहीं कोरोना हमें ना हो जाए या हमारे द्वारा हमारी फैमिली को? लगता होगा, पर वो किसी लिए कार्य कर रहे हैं? सिर्फ हमारे लिए कार्य कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। डॉक्टर्स ना अपनी फैमिली की फिक्र करते हैं ना अपने स्वयं की, उन्हें फिक्र है तो हमारी फैमिली की, हमारे समाज की और हमारे भविष्य की और हमारे देश की। तो मैं कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ एक लॉकडाउन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमें सरकार द्वारा क्या नहीं मिल रहा? हमें खाने को राशन मिल रहा है, हमें काफ़ी लोगों को साबुन वगैरह, अनाज वगैरह, दाल, चीनी, चावल, तेल सब कुछ उपलब्ध करवाया जा रहा है, सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो हम क्यों इस लॉकडाउन को तोड़ें? जो लॉकडाउन तोड़ते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना अपने स्वयं की फिक्र होती है, ना अपने समाज की, ना अपने देश की। तो मैं ऐसे लोगों से विनती करना चाहूँगी कि आप घर के अंदर रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए और अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए और ख़ासकर अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखिए। मैं चाहूँगी कि आप सभी इस लॉकडाउन का पालन करें। पुलिस, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी, सिर्फ इन्हीं के कारण हम बच रहे हैं। सिर्फ इन्हीं के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता,
सब कुछ हमारे सहयोग से भी। इसमें हमारे सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अवश्य से अवश्य अपना सहयोग करना चाहिए। यदि हम अपना सहयोग नहीं करेंगे तो ना हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, ना हमारा देश सुरक्षित रहेगा, ना हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। हमें यदि अपनी खुद की फिक्र नहीं है तो हमें अपने देश की और अपने समाज की फिक्र होनी चाहिए। हमारा मुझे इस लॉकडाउन के अंतर्गत देखने को मिला कि हमारे लिए कौन कितना कार्य कर रहा है। मैंने जाना कि पुलिस, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी आज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उनकी वजह से ही आज हम घरों में सुरक्षित हैं, उन्हीं की वजह से। हम कह सकते हैं कि मुझे लॉकडाउन के अंतर्गत ये जानने को मौका मिला कि समाज हमारी कितनी फिक्र करता है। अगर समाज को हमारी फिक्र होगी तो वो लॉकडाउन का पालन करेगी। लॉकडाउन के अंतर्गत जो सावधानियां डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई हैं उनका पालन करेगी। अगर समाज को हमारी फिक्र होगी तो, यदि हमें समाज की फिक्र होगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे। पर जिनको ना अपने समाज की फिक्र है ना अपने देश की, वो इसका पालन बिल्कुल नहीं करेगी। पर मैं ऐसे उसे कहना चाहूँगी, ज़रा डॉक्टर्स को देखिए, सफाई कर्मचारी को देखिए, पुलिस को देखिए, क्या उनकी फैमिली नहीं होगी? क्या उनका मन नहीं करता होगा कि हम अपने बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ बैठें, पढ़ें, मौज मस्ती करें, खाएं पिएं? हमारी तरह भी रह सकते हैं वो लोग भी, पर वो ऐसा नहीं कर रहे। किसके लिए नहीं कर रहे? सिर्फ हमारे लिए। पर हम पहले हमारे कहा जाता था कि जो पुलिस है वो मतलब हमारे लिए कभी कार्य करती नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए कार्य करती है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। पर फिर भी हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं, हमें इसका पालन करना चाहिए। मैंने हमारे समाज में देखा है कि यहाँ के लोग लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं, सारी सावधानियाँ निभा रहे हैं। ये मैंने जो ये स्पीच तैयार की है, मैंने ना यूट्यूब पे सर्च मारी है ना गूगल पे, मैंने सारा रियलिटी जो मैंने असलियत में यहाँ देखा है या जो मैंने जाना है या समझा है वो सब ही मैंने बताया है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, यदि नहीं लगी हो तो मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, घर पर ही रहिए।